दोस्तों, ओडियान चुड़ैल की ये इस कहानी का दूसरा भाग है और अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुने। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऐसे ही अजीब और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। रात होते ही माधव और सोहन बाकी गांव वालों के साथ भीमा के घर के सामने पहुंच जाते हैं। इन लोगों में एक आदमी दामोदर भी होता है जो कहता है, अरे भाई, अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो? मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। कहीं सच में कोई भूत प्रेत आ गया तो हमें कौन बचाएगा? कहीं हम भीमा के बच्चे को बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से ही हाथ ना धो बैठे। तो सोहन ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो दामोदर भाई, अपने खुद के बच्चे को खोने के बाद भी आप भीमा का डर समझ नहीं पा रहे? अरे ऐसे ही चलता रहा तो गांव में एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। तो दामोदर ने कहा, लेकिन भाई तुम ही बताओ, हम भूत प्रेत से कैसे लड़ सकेंगे? तो माधव ने कहा, अरे यार तुम दोनों चुप रहो, मैं तो कहता हूँ कि सबको अपने घर हवन करा लेना चाहिए, प्रेत को भेंट देकर खुश किया जा सकता है। तो सोहन ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, धोखा खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आ रही, इस मुसीबत से निकलने के लिए हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। सोहन की बात से सब सहमत होते हैं और भीमा के घर के बाहर पहरा देने के लिए तैनात हो जाते हैं। भीमा भी घर के अंदर अपनी पत्नी पर नज़र बनाए रखता है। फिर रात के करीब 12 बजे भीमा को नींद आने लगती है, लेकिन वो सोता नहीं है। वहीं बाहर खड़े गांव के लोग बारी बारी से जाग कर पहरा देते हैं। सोहन और दामोदर जाग रहे होते हैं और बाकी लोग भीमा के घर के बाहर ही सो जाते हैं। दामोदर कहता है, अरे यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। तो सोहन ने कहा, नहीं अभी पहरा देने की हमारी बारी है, हम सो नहीं सकते। दामोदर उसकी बात मानकर खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है। इतने में ही माधव की नींद खुल जाती है और वो दामोदर से कहता है, जाओ भाई जाओ, अब तुम भी सो जाओ, अब मैं सोहन के साथ पहरा दूंगा। दामोदर खुश होकर सोने चला जाता है। सोहन माधव से कहता है, क्या तुम लोगों ने उस तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश नहीं की? तो माधव ने कहा, अरे भाई तुम्हें पता है उसे हमारे गांव में आए काफ़ी दिन हो गए और उसकी पत्नी ने कहा कि जब से वो गांव आया तब से वापस ही नहीं लौटा, तो उसे हम कहाँ ढूंढते, न जाने पता नहीं कहाँ चला गया। तो सोहन ने कहा, कहीं उस तांत्रिक के गायब होने के पीछे भी उसी का हाथ तो नहीं जो बच्चे को गायब कर रहा है? तो माधव ने कहा, अरे वो खुद एक तांत्रिक है, वो प्रेत से बच सकता है। तो सोहन ने कहा, यार तू कितना बेअकल है, तू अभी भी समझ नहीं रहा कि वो एक ढोंगी था, उसे तो कुछ भी नहीं आता था, तो वो खुद प्रेत से कैसे बचेगा? तो माधव ने कहा, नहीं मैं नहीं मानता, मुझे विश्वास है कि मेरी बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके बाद सोहन कुछ नहीं कहता है। भीमा की पत्नी सो रही होती है और दूसरी तरफ गांव के बाहर शमशान घाट में काला जादू करने वाली ओडियान अपना घिनौना खेल शुरू करती है। वो भीमा की पत्नी के पुतले पर वही टोटका करती है जो उसने मालती पर किया था। भीमा की पत्नी कांपने लगती है, उसके सिर पर राख और खून का मिश्रण दिखाई देता है और हाथ में क्रॉस जैसा निशान बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी अजीब घटना होती है और वो ये कि जैसे ही भीमा की पत्नी की आंखें खुलती है, भीमा तुरंत सो जाता है। भीमा की पत्नी ओडियान के वश में हो जाती है और उठकर घर से बाहर आने लगती है। वहीं घर के बाहर सोहन और माधव पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो दोनों भी जमीन पर गिर पड़ते हैं और तुरंत सो जाते हैं। भीमा की पत्नी बाहर आती है और सबको अपने घर के बाहर सोता हुआ देखती है, फिर सीधे शमशान घाट की तरफ चल देती है। शमशान घाट में उसके साथ वही दर्दनाक चीज़ें होती हैं जो मालती के साथ हुई थी। ओडियान उसके बच्चे को निकाल कर अपना शिकार बना लेती है और भीमा की पत्नी को वापस घर भेज देती है। घर वापस आने के बाद वो सो जाती है और उसके सोने के तुरंत बाद भीमा और बाकी गांव वाले उठ बैठते हैं।
तो भीमा कहते हैं, ये क्या हुआ, मैं कैसे सो गया। भीमा बड़ा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन कहता है, अरे यार हम सो कैसे गए, मुझे पता ही नहीं चला, और ये दरवाज़ा कैसे खुला है, कहीं कोई अंदर तो नहीं आया। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और भीमा के घर के अंदर जाते हैं। सारे लोग देखते हैं कि भीमा एक ही जगह पर बुत बनकर खड़ा हुआ है। फिर सबकी नज़र भीमा की पत्नी पर जाती है, जो अपनी जगह पर ही थी, लेकिन उसका बच्चा गायब हो गया था। और यही देखकर भीमा भी हैरान होकर एक जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। सोहन और बाकी गांव वालों को अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी ये सब कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उससे बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो किसी के सामने आए बिना ही कुछ भी कर सकती है। भीमा और उसका परिवार भी दुख के सागर में डूब जाता है। गांव वालों को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन माधव को अपनी चढ़ाई हुई भेंट पर पूरा यकीन था। वो यही सोच रहा था कि उसके बच्चे को वो प्रेत कुछ नहीं करेगी। माधव के बच्चे के जन्म में अभी एक महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ था, और इस बीच ओडियान बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी समय तक कोई शिकार नहीं मिला था। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान का गोश्त चाहिए था, और इंसान के गोश्त के लिए खुद को जानवर में बदलना ज़रूरी था, और जानवर में बदलने के लिए उस मिश्रण की ज़रूरत थी जो नवजात बच्चे के खून से बनता है। इसलिए ओडियान समय से पहले ही माधव के बच्चे को निकालने के लिए टोटका करने बैठ जाती है। उस दिन माधव कुछ काम से शहर गया होता है और रात तक वापस नहीं आता है। उसकी पत्नी घर में अपने सास ससुर के साथ होती है, और ठीक 11 बजे माधव शहर से गांव लौट रहा होता है, और गांव आने वाले रास्ते में पड़ता है शमशान घाट। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए माधव जल्दी जल्दी गांव की तरफ अपनी साइकिल से आ रहा था। साइकिल की चर चर आवाज़ आती जा रही थी। माधव कहता है, अरे यार इतनी रात हो गई है और ऊपर से ये रास्ते में ये शमशान घाट आएगा, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई प्रेत या पिशाच ना आ जाए। माधव डर के मारे जैसे भी करके जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये सफ़र कितना खौफनाक मंजर दिखाने वाला है। माधव शमशान घाट के पास पहुँच जाता है। वहीं ओडियान माधव की पत्नी पर टोटका कर रही होती है। घर पर माधव की पत्नी सो रही थी और उसके सास ससुर भी सो चुके थे। ओडियान के टोटके की वजह से माधव की पत्नी जाग जाती है और उसके वश में होकर शमशान घाट की तरफ आने लगती है। माधव शमशान घाट से होके गुजर रहा था और तभी उसकी नज़र जाती है शमशान घाट में बैठी उसी ओडियान पर, जो काले कपड़े पहने शरीर में खून का मिश्रण लगाए बैठी हुई थी। माधव ने सोचा, ये भयानक औरत कौन है और इतनी रात को शमशान में बैठकर क्या कर रही है। माधव को डर तो लग रहा था, लेकिन ये जानने की उत्सुकता भी थी कि वो औरत क्या कर रही है, इसलिए वो रुककर एक जगह पर छुप जाता है और उसे देखने लगता है। और फिर कुछ देर के बाद माधव को एक औरत आती हुई दिखाई देती है जो उसकी पत्नी थी, लेकिन माधव को ये बात पता नहीं होती है। माधव की पत्नी ठीक ओडियान के सामने जाकर बैठ जाती है। ओडियान उस पर भी वही टोटका करती है। माधव ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो उसकी पत्नी ही है। ओडियान उसके सामने ही उसकी पत्नी के पेट से बच्चे को निकालने के लिए मंत्र पढ़ती है और उसकी पत्नी दर्द से चीखती है। माधव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है जो गांव की औरतों के साथ हो रहा था। वो सब कुछ माधव अपनी आंखों से देख रहा था, और सब कुछ देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ओडियान उसके बच्चे को निकाल लेती है और उसकी पत्नी को वापस भेज देती है। माधव सोचता है, तो ये सब कुछ ये डायन करती है, लेकिन क्या मिलता होगा इसे ये सब करके। ओडियान उसके बच्चे को उसके सामने ही तलवार से काट देती है और उसके खून को कटोरे में इकट्ठा करने लगती है। ये सब देखकर माधव बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है। माधव देखता है कि ओडियान उस बच्चे के खून से कोई मिश्रण बनाकर अपने शरीर में लगा रही है, और देखते ही देखते
वो एक जानवर में बदलकर वहां से कहीं चली जाती है। माधव उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सीने का दर्द बढ़ जाता है और वो उसी जगह बेहोश हो जाता है जहां वो छुपकर सब कुछ देख रहा था। फिर अगली सुबह अचानक से माधव की नींद खुलती है और वो अपने आसपास देखता है, पर वहां कोई भी नहीं होता है। उसकी साइकिल साइड में रखी होती है। वो उठ के अपनी साइकिल लेता है और सीधे गांव जाता है। जैसे ही वो गांव के चौराहे के पास पहुंचता है, लोग उसे दर्द भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। माधव को कुछ समझ नहीं आता और वो सीधे अपने घर आता है। माधव जैसे ही घर पहुंचता है, उसे घर में बड़ी अजीब सी शांति महसूस होती है। उसके माता पिता घर पर ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें किसी बात का गहरा सदमा लग गया हो। माधव अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं दे पाता। फिर वो सीधे अपने घर में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी भी सदमे में बैठी हुई है। माधव इससे पहले कि कुछ बोलता, उसकी नज़र उसके पेट पर जाती है और वो ये देखकर खुद हैरान हो जाता है कि उसका बच्चा गायब है। उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ था और वो कमरे के दरवाजे के पास अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ आता है कि रात को ओडियान ने जिसका बच्चा मारा वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था। तब उसे समझ में आता है कि उसके सामने ही उसके बच्चे को मार दिया गया और उसने कुछ भी नहीं किया। वो अपने बच्चे की मौत में खुद को दोषी मानने लगता है, लेकिन अब उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो सबको ये बता सके कि उसने क्या देखा, क्योंकि उसे लगता है कि सब उसे कायर समझेंगे क्योंकि उसने हादसे के वक्त मौजूद होते हुए भी अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसी समय सोहन और उसका परिवार उसके घर पर आता है। सोहन देखता है कि माधव अपने कमरे में सर पकड़कर बैठा हुआ है। सोहन समझ सकता था कि माधव के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसलिए वो उसके दुख को बांटने आया था। सोहन को देखकर माधव कहता है, मैं नहीं बचा पाया अपने बच्चे को, उसने मार डाला उसे और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये बोलकर माधव रोने लगता है। फिर वो बोलता है, समय से पहले ही वो बच्चों को कोक से निकाल कर काट देती है और फिर उसका खून अपने शरीर में लगाकर एक भयानक जानवर में बदल जाती है। सोहन ये सुनकर चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि माधव कहना क्या चाहता है। सोहन कहता है, भाई क्या बोल रहा है तू, साफ साफ बता। माधव फिर रोते हुए सारी बात बताता है और सोहन का दिल दहल जाता है। सोहन कहता है, तूने सच में वो सब देखा? माधव ने कहा, हाँ वो बहुत ही खतरनाक है, वो जिस भी जानवर में चाहे बदल सकती है। तो सोहन कहता है, यार हमें इस बारे में सबको बताना होगा। इसके बाद गांव के पंचायत में ये सारी बात सोहन बताता है और सारे गांव वाले डर जाते हैं। सोहन कहता है, अब आप लोग ही बताइए क्या करना चाहिए, उस औरत से सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि हम सबको खतरा है। तभी दामोदर कहता है, अरे अब करना क्या है भाई, मैं तो अब इस गांव में एक पल भी नहीं रुकने वाला हूँ, जा रहा हूँ मैं। और मैं तो कहता हूँ कि तुम सब लोग इस गाँव को खाली कर दो, यहाँ रहोगे तो मरना तय है। तो सोहन कहता है, अरे गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे हम, और ये इस समस्या का समाधान नहीं है। तो दामोदर कहता है, अरे तुम बड़े बहादुर हो जो उस जादुई औरत से लड़ना चाहते हो, लेकिन बहादुर से ज्यादा तो बेवकूफ हो कि ये जानते हुए भी कि वो औरत क्या कर सकती है उसके बाद भी तुम्हें उससे लड़ना है। ये सुनकर सोहन ने कहा, सुन भाई, ये गाँव ही हमारा घर है और कोई रहने की जगह नहीं है मेरे पास, और मेरी तरह कई लोग हैं जिनके पास रहने के लिए बस यही जगह है। तो दामोदर ने कहा, अरे यार लेकिन जगह ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिल ही जाएगी, अब जिसे जो ठीक लगे वो करें, मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से अभी जा रहा हूँ। दामोदर के साथ साथ गांव के कई लोग बचने के लिए गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। जिनके पास रहने का दूसरा ठिकाना था वो सब एक एक करके गाँव छोड़कर चले जाते हैं, और जिनके पास कोई साधन ही नहीं था वो बेचारे इसी गांव में रह जाते हैं। सोहन कहता है, अब खुद को बचाने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या किसी के पास कोई उपाय है?
तभी गांव का एक आदमी कहता है, हमारे पड़ोसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है। मैंने सुना है कि वो काला जादू, भूत, प्रेत, पिशाच इन सब का टोटका बताती है। क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? तो फिर दूसरा आदमी कहता है, लेकिन भाई मैंने भी सुना है उसके बारे में, लेकिन कहते हैं कि वो ये काम बहुत पहले किया करती थी। अब पता नहीं वो हमारी मदद करेगी या नहीं। तो सोहन कहता है, ठीक है, हम उनके पास चलकर मदद मांगते हैं। इसके बाद सारे गांव वाले पड़ोसी गांव में जाते हैं उस बूढ़ी औरत से मदद मांगने के लिए। जैसे तैसे उस औरत का पता उन्हें मिल ही जाता है और वो लोग उसके घर पहुंचते हैं। वो बूढ़ी औरत करीब 80-85 साल की थी। सारे गांव वालों को एक साथ अपने घर के बाहर देखकर वो समझ जाती है कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। वो पूछती है, क्या हुआ? आप सब लोग मेरे घर के सामने यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? गांव वाले हाथ जोड़कर कहते हैं, अम्मा हमें आपकी मदद चाहिए, हमारा गांव खतरे में है। बूढ़ी औरत कहती है कि कैसी मदद? सोहन कहता है, अम्मा हमारे गांव के ऊपर न जाने किस बला का साया है। एक औरत है जो बच्चों के जन्म से पहले ही उन्हें बाहर निकाल कर। इससे पहले कि सोहन आगे कहता, वो बूढ़ी औरत कहती है, वो औरत नहीं, वो एक इच्छाधारी चुड़ैल है, ओडियान कहते हैं उसे, जो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है और इसके लिए बच्चों की बलि चढ़ाती है। सोहन और गांव के लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। माधव कहता है, आपको तो सब पता है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है, 30 साल बीत भी गए पता ही नहीं चला, गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता। तब सोहन कहता है, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकती हैं? तो बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। इसके बाद सारे गांव वाले बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं। बूढ़ी औरत कहती है, ये बात करीब 30-35 साल पहले की है। यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहाँ ऐसी ही इच्छाधारी चुड़ैल देखी गई थी। सोहन ने पूछा, तो क्या उस गांव में भी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ उस गांव में भी वैसी ही घटनाएं होती थी जैसे अभी तुम्हारे साथ हो रही हैं। गर्भवती स्त्री की कोख से बच्चों को निकाल कर उसके खून से वो एक मिश्रण तैयार करती थी और उसे अपने शरीर में लगाकर किसी भी जानवर में बदल सकती थी। और इतना ही नहीं, उस चुड़ैल में इतनी ताकत है कि वो दूसरों को भी जानवर में बदल सकती है। और हर 30 साल में एक बार उसका आतंक छाता है और वो ऐसे गांव की तलाश करती है जहां बच्चों का जन्म होने वाला है। जब उसे गांव मिल जाता है तो अगले 5 साल तक वो उस गांव के बच्चों के खून से अपना रूप बदल बदल कर शिकार करती है। 5 साल बाद न जाने कहां चली जाती है और 30 साल बाद वापस आकर दहशत मचाती है। तो माधव ने पूछा, तो अम्मा हमारे गांव में तो वो पिछले 2 साल से आतंक मचा रही है, मतलब अगले 3 साल तक ये सब बंद नहीं होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो हर 30 साल के बाद उसका आतंक छाएगा। सोहन ने पूछा, तो फिर अम्मा उस गांव के लोगों को उससे छुटकारा कैसे मिला? तो बूढ़ी औरत ने कहा, बहुत कोशिश की सबने, तांत्रिक को बुलाकर तंत्र मंत्र कराया, अघोरियों से साधना कराई, पूजा पाठ हवन किया, लेकिन इच्छाधारी चुड़ैल से छुटकारा नहीं मिल पाया उन्हें। फिर पता नहीं कहां से उन्हें ये पता चला कि भैरव यंत्र धारण करके उस ओडियान से बचा जा सकता है, इसलिए गांव के हर इंसान ने अपने गले में भैरव यंत्र धारण किया और तब से वो इच्छाधारी चुड़ैल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर जब 5 साल बीत गए तो कुछ समय बाद उसका आतंक बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर आज तक कभी भी ऐसी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी उस गांव के लोग आज तक भैरव यंत्र धारण करके घूमते हैं ताकि ओडियान से उनका सामना वापस ना हो। तो सोहन ने कहा, इसका मतलब भैरव यंत्र धारण करके हम भी उससे बच सकते हैं? तो बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ
लेकिन शुरुआत में ओडियान तुम लोगों के गले से उस भैरव यंत्र को निकालने की पूरी कोशिश करेगी। अगर तुमने उसे निकाल लिया तो मारे जाओगे। बूढ़ी औरत पूछती है, क्या तुम्हारे गांव में किसी बच्चे का जन्म होने वाला है? तो सोहन ने कहा, नहीं अम्मा, जिन बच्चों का जन्म होने वाला था वो उसे पहले ही मार चुकी है। बूढ़ी औरत ने कहा, इसका मतलब वो अब किसी और गांव को अपना शिकार बनाएगी। उसे समय समय पर बच्चे के खून की ज़रूरत होती है। उसके बिना वो ना तो अपना रूप बदल सकती है और ना ही शिकार कर सकती है। तुम्हारे गांव में कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अब वो दूसरे गांव के बच्चों को मारेगी। हो सकता है कि अगला गांव हमारा ही हो। तो माधव कहता है, मतलब अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है? तो बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसा नहीं है, अगर उसे ख़त्म नहीं किया गया तो अगले 3 साल में जब भी तुम्हारे गांव में किसी बच्चे का जन्म होने वाला होगा वो वापस आ जाएगी और हो सकता है कि वो तुम लोगों का शिकार करना शुरू कर दे। तो सोहन ने पूछा, तो अम्मा कहाँ मिलेगा वो भैरव यंत्र? तो बूढ़ी औरत ने कहा, भैरव यंत्र कोई जेवर नहीं है जो तुम्हें दुकानों पर बिकते मिलेगा। उस यंत्र का निर्माण करना होता है, हवन करके उसे सिद्ध करना होता है, तब जाकर उस यंत्र को धारण करने से भूत पिशाच चुड़ैल पीछा छोड़ते हैं। तो माधव ने कहा, तो अम्मा क्या वो यंत्र आप हमारे लिए बना दोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ पर उसमें वक्त लगेगा। सोहन ने कहा, कोई बात नहीं, आप कुछ भी करके भैरव यंत्र बना दीजिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको ला कर देंगे। बूढ़ी औरत मान जाती है और भैरव यंत्र बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें मंगवाती है। शाम को वो बूढ़ी औरत सोहन और अपने गांव के लोगों के लिए भैरव यंत्र बनाने में जुट जाती है। वो बूढ़ी औरत एक चांदी की डिब्बी में एक काली मिर्च, एक लाल चरमक, एक सफ़ेद चरमक, राई के कुछ दाने डालती है, फिर सियार की 2 सुई लेकर एक सुई को सीधे और एक सुई को उल्टा करके डालती है। फिर एक भोज पात्र में वो भैरव का तांत्रिक यंत्र बनाती है और उसके पीछे हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाती है। उसके बाद उस तांत्रिक यंत्र को तावीज़ में डालकर तावीज़ को बंद कर देती है और उसे काले धागे में पिरो देती है। फिर वो कहती है, अब इस तावीज़ को सिद्ध करना होगा। तावीज़ को सिद्ध करने के लिए वो एक लाल कपड़ा बिछाकर तावीज़ को उसमें रख देती है और उस पर कच्चा दूध डालती है, फिर शहद और गंगा जल से उसे स्नान कराती है। इसके बाद वो दिया जलाती है। बूढ़ी औरत कहती है, अब सबको 5000 बार ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद सब लोग उस मंत्र का जाप करते हैं और हवन में आहुति देते हैं। जब जाप खत्म हो जाता है तो बूढ़ी औरत सभी तावीज़ को हवन के ऊपर से 21 बार घुमाती है और हवन की विभूति से तावीज़ को तिलक लगाती है और फिर सब लोग एक एक करके भैरव बाबा का नाम लेकर उस तावीज़ को धारण करते हैं। बूढ़ी औरत कहती है, जो भी हो जाए इस तावीज़ को तब तक मत निकालना जब तक ओडियान के आतंक का समय ख़त्म ना हो जाए। उसे पूरी तरह ख़त्म करने का और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, बस अब उसका समय पूरा होने का इंतज़ार किया जा सकता है। इसके बाद सब लोग बूढ़ी औरत की बात मान लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा करके वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। उधर ओडियान एक नागिन बनकर अपना शिकार ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे गांव के बाहर कोई मिलता ही नहीं है, इसलिए वो गांव की तरफ जाने लगती है ताकि किसी इंसान का शिकार कर सके। इतने में ही उसे गाँव के लोग आते हुए दिखते हैं। उस समय रात के करीब 9 बज रहे होते हैं और सारे गांव वाले बातें करते करते गांव आ रहे होते हैं। ओडियान उन्हें देख लेती है और अपने वापस असली रूप में आ जाती है। वो कहती है, आज एक साथ इतने सारे शिकार, लगता है आज सबकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ओडियान अपने असली रूप में ही सबके सामने आ जाती है और उसको देखकर माधव चीखता है, सोहन यही है वो चुड़ैल जिसको मैंने उस दिन देखा था। सब उसको देखकर पीछे की तरफ हट जाते हैं। ओडियान एक एक इंसान का चेहरा देखती है, उसको सबके चेहरे पर खौफ नजर आता है, इसलिए वो हंसने लगती है और बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा,
तुम सबके चेहरे पर खौफ देखकर बहुत अच्छा लगा। आज भी मेरी दहशत कम नहीं हुई है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सोहन हिम्मत करके बोलता है, हम तुझसे नहीं डरते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू हमारा। रास्ता छोड़ और अपनी खैरियत चाहती है तो चली जाए यहाँ से। ओडियान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, देखते हैं किसका क्या बिगड़ता है। ये बोलकर ओडियान अपना रूप बदलने लगती है और इस बार वो एक खूंखार भालू में बदल जाती है। गांव का हर एक आदमी उसे देखकर इतना चौंक जाता है कि अपनी जगह पर ही जम सा जाता है। तो सोहन कहता है, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। इसके बाद सारे गांव वाले गांव की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन माधव अपनी जगह पर खड़ा रहता है क्योंकि वो ओडियान को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ओडियान उस पर हमला करने ही वाली होती है कि सोहन पीछे से आकर माधव को सही समय पर उसकी जगह से धक्का मार देता है, जिससे माधव और सोहन दोनों रास्ते के एक तरफ गिर पड़ते हैं और फिर उठ के भागने लगते हैं। ओडियान वापस से उन पर हमला करने के लिए उनका पीछा करती है। सोहन और माधव जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं और ओडियान उनके पीछे पीछे सारे पेड़ पौधों और झाड़ियों को बर्बाद करते हुए भाग रही थी। बीच बीच में ओडियान उन पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह हर बार वो दोनों उसके वार से बचते बचाते निकल जाते हैं। भागते भागते सोहन का पैर मुड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। सोहन माधव से कहता है, माधव तू भाग। माधव कहता है, भाई मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, उठ जल्दी, वो पीछे ही आ रही है। सोहन बड़ी मशक्कत करके खड़ा होता है, लेकिन उसके पैर में बहुत दर्द होता है। इसके बाद भी किसी तरह वो लोग जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जंगल उतना घना नहीं था और यही उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जंगल के दूसरी तरफ एक छोटी खाई थी। माधव बोलता है, भाई अब कहाँ जाएं, वो तो पीछे ही आ रही है। उनके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सोहन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाकी गांव वाले भी अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे। लेकिन तभी उनके पीछे ओडियान आ जाती है और उन पर झपटने ही वाली होती है कि अचानक भैरव यंत्र की शक्ति काम कर जाती है और सोहन और माधव के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे टकराकर ओडियान दूर गिरती है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और दर्द के मारे तड़पने लगती है। सोहन और माधव समझ जाते हैं कि ये भैरव यंत्र की शक्ति का ही परिणाम है। ओडियान उठ खड़ी होती है और उसकी नज़र सोहन और माधव के गले में स्थित भैरव यंत्र पर जाती है। ओडियान के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और वो डरने लगती है। इसके बाद वो उन दोनों पर हमला नहीं करती। ओडियान कहती है, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, छोड़ूंगी नहीं। फिर वो वापस से नागिन का रूप लेकर वहां से फौरन निकल जाती है। माधव और सोहन को इस बात की खुशी थी कि भैरव यंत्र ने अपना काम किया और अब उन्हें ये भी विश्वास हो गया था कि भैरव यंत्र उनकी रक्षा जरूर करेगा। इसके बाद वो दोनों अपने गांव आ जाते हैं, जहां बाकी लोग पहले से मौजूद थे। सोहन सबको बताता है कि भैरव यंत्र के कारण ओडियान कैसे भाग गई और सबसे कहता है, आप सबको ये भैरव यंत्र हमेशा पहने रखना होगा, सिर्फ यही बचा सकता है सबको। अब इसके बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं। ओडियान का समय खत्म होने में अभी भी बहुत लंबा समय बाकी था। इतने समय तक खुद को बचाने के लिए उस भैरव यंत्र को धारण करना बेहद जरूरी था। अब ये बात ओडियान भी जान चुकी थी कि सारे गांव वालों के पास भैरव यंत्र है, इसलिए वो किसी के ऊपर अब काला जादू भी नहीं कर सकती थी। ओडियान के पास इतनी शक्ति थी कि अगर उसे कोई छू भी ले तो उसी वक्त जलकर राख हो जाए, लेकिन भैरव यंत्र के होते हुए ये संभव नहीं था। गाँव वालों के बीच उसका आतंक इतना फैला हुआ था कि कोई भी उस भैरव यंत्र को अपने गले से एक सेकंड के लिए भी नहीं निकालता था। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके गले में वो यंत्र था। अब इसका परिणाम ये हुआ कि ओडियान ना तो किसी का शिकार कर सकती थी और ना ही किसी गर्भवती स्त्री को अपने वश में करके बच्चे का खून ले सकती थी। अब ओडियान के पास एक ही रास्ता था कि वो किसी और गाँव में अपना आतंक मचाए, इसलिए वो अब उस बूढ़ी औरत के गांव को चुनती है जिसने गांव वालों की मदद की थी।
क्योंकि उस गांव में लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और वो गांव सोहन के गांव से काफ़ी पास भी था। लेकिन ओडियान की ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि इस बूढ़ी औरत ने अपने गांव के लोगों को भी भैरव यंत्र धारण करवा दिया था। ओडियान के बारे में आसपास के सारे लोगों को खबर मिल गई थी और सब डर के मारे उस बूढ़ी औरत के पास आकर भैरव यंत्र धारण करने लगे थे। देखते ही देखते सारे गांव के लोगों के पास अब भैरव यंत्र था और अब ओडियान के लिए वहां रहना मुश्किल होता जा रहा था। ओडियान को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आता है और वो बेकाबू होने लगती है। उसके शरीर पर बच्चे का जो खून लगा था वो भी फीका पड़ने लगा था और अब उसे फिर से एक बच्चे के खून की ज़रूरत थी। लेकिन भैरव यंत्र की शक्ति उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दे रही थी। खून ना मिलने से वो अपना रूप नहीं बदल पाती है और ना ही शिकार कर पाती है। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगती है। ओडियान के पास अब उस इलाके से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सोहन के गांव से कोसों दूर चली जाती है। सोहन और बाकी गांव वालों को अब एक भी घटना की जानकारी नहीं मिलती और आसपास के गांव से किसी के गायब होने की खबर भी नहीं मिलती। सबको लगता है कि ओडियान उस गांव से दूर भाग गई है, जो कि सच था। अब उस गांव पर कोई खतरा नहीं था। करीब 2 साल बाद उस गांव में फिर से बच्चे के जन्म की खबर आती है और इस बार उनके साथ कोई भी घटना नहीं होती है। उसके बाद से जब भी किसी बच्चे का जन्म होता तो उस बच्चे को सबसे पहले भैरव यंत्र ही धारण करवाया जाता था। जल्द ही ओडियान के 5 साल पूरे हो जाते हैं और गांव वालों का डर भी एक लंबी अवधि के लिए ख़त्म हो जाता है। इस तरह मल्याला पूजा गांव के लोग फिर से एक आम जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट स्टोरी मैं लेकर आ रहा हूँ एक ब्रह्म राक्षस पर और उम्मीद है कि आप लोग उसे अपना प्यार ज़रूर देंगे। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।